वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में और मैं एनजेपी। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं स्प्लेंडर आई स्मार्ट का जो है फुल इंजन करेंगे। लेकिन करने वालों को कहते हैं जो स्प्लेंडर आई स्मार्ट जिसके पास है उसका इंजन कामयाब नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है क्योंकि इसमें जो स्प्लेंडर आई स्मार्ट 110 में है इसमें टाइम इंजन का फॉल्ट है। लेकिन हम इसमें 2019 का के इंजन में इसमें को कन्वर्ट कर देते हैं। अगर आप अदर स्टेट से हो और आप इसको वही मेरे पास नहीं ला सकते तो उसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। आप मेरा ऑनलाइन स्टोर है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसके पूरे सिलेंडर किट है, वोल्ट किट, टाइमिंग चेन, जितने भी अदर पार्ट्स हैं वो परचेज कर सकते हो। वीडियो ऑलरेडी मैंने डाली हुई है फिटिंग की, आपने कैसे कैसे वो करना है उसका भी लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा, वहाँ जाकर चेकआउट कर लो आपने कैसे फिटिंग करानी है। हाँ, वो काम कराने के बाद आपकी बाइक में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी फ्रेंड्स। लेकिन इस बाइक में हम क्या क्या काम करने वाले हैं, सेल्फ पेपरोल में काफ़ी इशू है। जो ये कस्टमर आया है ये आया है झज्जर से, कम से कम 40 किलोमीटर दूर से आया है, वो भी बाइक से बांध के ले गए आए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो गाड़ी का मैंने इंजन नीचे निकाल लिया है, बॉडी से निकाल के उसको ओपन करा दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे चल के हम इसमें क्या क्या काम कराने वाले हैं और आप लोगों को भी क्या काम करवाना है जो इसका इंजन 101% सक्सेसफुल होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं फटाफट। सो गाइस, ये है क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट ये जो इंजन है ये सीज हो गया था, इसमें हालत देखो बिल्कुल ख़त्म है क्रैंक। तो हमने इसमें क्या क्या पार्ट चेंज करने वाले हैं, एक तो ये कनेक्टेड असेंबली, ये पूरी हीरो की वही आती है, एक मैको की भी आती है, जो सी सी आपको मिल जाएगी हमारे पास, सब होती हैं जेन्युइन पार्ट। खराद वाले जो मैको की नहीं मिलेगी, खराद वाले के पास आपको वो मिलेगी, आपको लोकल में रखते हैं खराद वाले। साथ में ये मेन बैरिंग ये भी चेंज करने वाले हैं, ये दोनों मेन बैरिंग और मैंने बताया कनेक्टेड असेंबली। ठीक है गाइस, ये तो हम काम कराएंगे क्रैंक में। अच्छा, इसके बाद जो चैम्बर में अपने क्या क्या ध्यान देना है, ये तो अपने ये बैरिंग चेक करना है 6001, आप इंजन खुलवा के ये ध्यान रखना, कई बार हमारा जो इंजन है इसी कारण भी खुलता है। ये बैरिंग चेक करने हैं, बैरिंग तो सारे चेक करने हैं, अगर आपको लग रहा है तो चेंज कर दो, बार बार इंजन नहीं खुलता, ज़्यादा 200-300 रुपया फ़र्क पड़ता है। ठीक है गाइस, कई बार मैकेनिक लोग क्या करते हैं जो एक यहाँ पर नक्का फाड़ देते हैं, क्या करते हैं जो कवर होता है तो ये बोल्ट लगाते हैं, बड़ा लगा देते हैं मैकेनिक, या मैकेनिक का कोई चेला लगा देता है तो ये इसमें छेद हो जाता है हर पर। तो इंजन बांधने से पहले ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, यहाँ से चैम्बर फटाना हो नहीं तो ये वेल्डिंग कराना पड़ेगा अंदर से जो मेरी उंगली के पास में है, या यहाँ पे एमसी लगानी पड़ेगी। इसमें ऑयल ड्रेन होना स्टार्ट हो जाता है, ये तो होगी चैम्बर की बात। ठीक है गाइस, उसके बाद अपने ये जो राइट साइड का चैम्बर है इसमें दोनों बैरिंग, ये वाला बैरिंग ये बैरिंग चेक करना है। साथ में किक सापट जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किक सापट के अगर ग्रूव खराब हो तो ये आपने चेंज करा देनी है, क्योंकि ये अगर बाद में कभी ग्रूव खराब हो जाए तो ये इंजन ही खुलेगा इसको चेंज करने के लिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब मैं दिखाता हूँ गियर बॉक्स। अब इसमें एक तो गियर बॉक्स में ये सेकंड गियर कटा हुआ है, इसका सेकंड गियर में मेरे नखून के यहाँ देखो इसके दांते खराब हो रखे हैं, तो इसमें क्या होता है गियर में आवाज़ बन जाती है दूसरे गियर में, बाकी चौथा भी हीरो की बाइक में ज़्यादातर दूसरा और चौथा ये कटते हैं मैक्सिमम, बाकी इसका फोर्थ गियर ठीक है, हमने ये दूसरा चेंज करने वाले हैं। ठीक है गाइस, और इसके बाद आप लोगों ने करने हैं सिलेक्टर चेक, सिलेक्टर कौन सा कटा हुआ है, कई बार थर्ड गियर फेंकना स्टार्ट कर देती हैं, पहले की जो बाइक आती थी कोई इतनी दिक्कत नहीं आती थी, ये सिलेक्टर कभी कटते नहीं थे, लेकिन अब जितनी बाइकों को हम खोलते हैं 90% सिलेक्टर कटे मिलते हैं। अब ये सिलेक्टर ये ठीक है, ये कटा हुआ है तो ये चेंज करने वाले हैं। ठीक है गाइस, बाकी कैम सावट चेक करनी है, कैम सावट इसकी ख़राब है, ये देखो यहाँ से कटी हुई है, यहाँ से कटी हुई है, तो कैम सावट है आई स्मार्ट की 800 रुपये के अराउंड, ये चेंज करने वाले हैं। बाकी अपने क्लच चेक करना है, इसके हब सेंटर परफेक्ट हैं, हब सेंटर ठीक है, खाली क्लच प्लेट डालेंगे हम इसमें, प्रेशर प्लेट ठीक है इसकी, बाकी एक ये प्राइमरी गियर डालना होता है GPD, वो फेंक दिया लड़के ने शायद, नया जिस टाइम सामान आएगा उस टाइम दिखाएंगे, तो इंजन को वॉश करा लेते हैं अच्छी तरह से, वॉश कराने के बाद परफेक्ट जो सामान हम इसमें डालने वाले हैं, ठीक है गाइज, वो दिखाऊंगा क्या क्या पार्ट डाल रहे हैं जिससे जो हमारे इंजन की लाइफ है वो मैक्सिमम मिलेगी। टाइम इंजन का जो सोल्यूशन है वो परमानेंट, बिल्कुल परमानेंट, कभी भी दिक्कत आनी ही नहीं है, 2019 के मॉडल में ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। सो गाइज, आपको पता है मैं करेंगे जो रिपेयर है मैं अपने सर्विस सेंटर पर ही करता हूँ, तो हमने जो जो सामान डाला है इसमें वो दिखाता हूँ आपको, ये है पूरी कनेक्टेड असेंबली, तो आप भी कोई कराते हैं तो कनेक्टेड असेंबली चेंज कराएं। ये मैंने बैरिंग, बाकी इसके अंदर ये है बैरिंग अंदर का, और
ये मैंने ओके कर दी है फर्स्ट क्लास, इसकी जो बैलेंसिंग करके। बाकी मैं दिखाता हूँ कौन सी कंपनी मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये क्रैंक जो थी फ्रेंड्स ये पहले हो रखी थी, तो अगर क्रैंक पहली बार हो रही है तो आप हीरो की जेन्युइन मिल जाएगी आपको। हाँ, आपने पहले करवा रखी है तो उस टाइम साइज़ नापते हैं। तो ये मैको की है, ये जो मैको की आती है ये बुलेट में ओई मॉडल की आती है। बाकी मैं पिछले 7-8-10 साल से डाल रहा हूँ मैको की। इस जैसे असम्बली फ्रेंड्स आई नहीं आज तक, ना एक भी बाइक को मैं रिप्लेसमेंट नहीं आई मेरे पास एक भी बाइक को भी। तो ये मेरी क्रैंक बिल्कुल परफेक्ट हो गई, नई बैरिंग दोनों। बाकी अब मैं दिखाता हूँ आपको जो पार्ट हैं हम डालने जा रहे हैं इसमें नए गाड़ी। ये चैम्बर बिल्कुल क्लीन हो गए हैं सारे, धो दिए हैं, अब ये गैसकेट साफ करेंगे इनकी। सो गाइस, हमने इंजन असेंबल स्टार्ट कर दिया है करना। एक ही गियर फोर्क चेंज कर रहे हैं, ये दूसरा गियर, सेकंड गियर, फोर्थ गियर से आप परफेक्ट था। क्रैंक मैंने आपको दिखाई दी थी बैरिंग वगैरह चेंज करके, बाकी ये परफेक्ट है। अब ये इसके पार्ट एक कैमसा पार्ट है, ये रोगी जैमन किट और ये सिलेंडर किट है दोस्तों। सिलेंडर आजकल पहले अलग अलग उसमें आती थी, अभी ये किट बन के आने लगी। पार्ट नंबर है K1212-1880S। जो एम आर पी आई है 2995 रुपये एम आर पी आ चुकी है इसमें। ये सलब की गहराई टूटी हुई है, मोटर निकल, ये चेंज कर रहे हैं हम। सलब का था पूरा काम होने वाला है इसका, स्टार्टर मोटर ख़राब है। बाकी क्लच में खाली क्लच पे डाल रहे हैं, ये टाइमिंग पैड हो गए। ये किट के अंदर क्या कहते हैं, ये गैसकिट, हाफ गैसकिट, और ये अपनी किट है। इसके अंदर पिस्टन रिंग, ये रिंग लगे हुए हैं, पिस्टन, पिस्टन पिन, सारा सामान ओरिजिनल है। और जो इसमें टोटल खर्चा आ रहा है वो खर्चा आ रहा है दोस्तों 13,500 ग्राउंड, क्योंकि इसमें सलब का काम बढ़ गया काफ़ी। एक कैम सापट भी कटी हुई थी। ये पूरे पार्ट ये 1500 के आसपास, ये है साथ में निकल रही है इसमें बैटरी, तो टोटल 14,000 ग्राउंड, 13,500-14,000 ग्राउंड खर्चा आ रहा है। तो कर रहे हैं फटाफट असेंबल की मैंने वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है फ्रेंड्स, उसका आई लिंक, मैं आई बटन में उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर ले अगर फिटिंग के ऊपर देखना चाहते हो। ठीक है फ्रेंड्स, गाइस जितना सफाई से काम होगा उतने ही ज़्यादा हमारे जो इंजन की लाइफ बनी रहती है। सो गाइस, गाड़ी हमारी हो गई कंप्लीट, और जो गाड़ी चली हुई है 40,000 किलोमीटर चली हुई है। और मैं गाड़ी का साउंड सुनाता हूँ।